दोस्तों यहाँ पे टेलीकॉम के अंदर ना बिल्कुल तबाही से मची हुई है आजकल, और हर तरफ देखो मतलब हर दिन नए नए प्लान की बात होती रहती है। हर कंपनी एक दूसरे को दबाने में लगी है और ज्यादा कस्टमर अपनी तरफ खींचने में लगी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ट प्लान, जो कि 100 रुपए के नीचे का प्लान है और बोलते हैं कि सबसे बजट का प्लान है, मतलब 100 रुपए के नीचे का रिचार्ज कराना है आपको। तो कौन से बेस्ट प्लान होंगे, किस ऑपरेटर में, जानेंगे उन सबके बारे में इस वीडियो के अंदर। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। रिचार्ज करने से पहले मेक श्योर कि आप ये प्लान जाके ऑपरेटर के पास चेक कर ले। वैसे आप जहाँ भी रिचार्ज करोगे जाके आपको वहाँ पे बता देगा कि प्लान एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि आजकल क्या है प्राइसिंग बहुत डायनेमिक हो गई है, आए दिन प्लान बदलते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये जो प्लान है मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि 100 रुपए के नीचे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर में है तो कौन सा रिचार्ज कराएं और कौन सा बेस्ट प्लान है 100 रुपए के अंदर। जियो के अंदर 100 रुपए के नीचे का सबसे बेस्ट प्लान मिलता है आपको 98 रुपीज का, मतलब 98 रुपए का। वहां पे आपको दिया जाता है 300 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा अनलिमिटेड नहीं, डेटा दिया जाता है आपको 2 GB, जो कि आपको यूज करना है 28 दिन के अंदर। यहाँ पर जो प्लान होता है ये होता है सिर्फ 28 दिन के लिए, मतलब 28 दिन के बाद आपको दोबारा ये रिचार्ज करना होगा। लेकिन बात करें अफोर्डेबल प्लान की 100 रुपए के नीचे के बेस्ट प्लान की, तो वो है 98 रुपए का प्लान। अगले ऑपरेटर की बात करें तो वो है एयरटेल, और एयरटेल के अंदर आपको 100 रुपए के नीचे बेस्ट प्लान मिलता है 98 रुपए का, अगेन 98 रुपीज का। इसके अंदर आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 GB डेटा, 4G डेटा, जो कि आप यूज कर सकते हो अगले 28 दिन तक। इसके साथ ही यहाँ पे कॉलिंग जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, कॉलिंग के लिए आपको 30 पैसे पर मिनट का चार्ज लगेगा और कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये है एयरटेल के अंदर 100 रुपए के नीचे का सबसे बेस्ट प्लान। अगला ऑपरेटर है वोडाफोन, वोडाफोन आ गया सेम ही है। तो वोडाफोन के अंदर अगर हम बात करें बेस्ट प्लान 100 रुपए के नीचे की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 95 रुपीज का प्लान, 95 रुपए का प्लान, और यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो है 500 MB हाई स्पीड डेटा, 95 रुपीज का टॉक टाइम, और यहाँ पे जो कॉलिंग रेट होंगी वो होंगी आपके 30 पैसे पर मिनट। मतलब इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है, डेटा भी 500 है। कंपेयर करें जियो और एयरटेल के कंपेरिजन में तो बेकार प्लान है, लेकिन 100 रुपए के नीचे यही बेस्ट प्लान है अगर आपके पास है वोडाफोन तो। अगले ऑपरेटर जो है वो है BSNL, सरकारी ऑपरेटर, और BSNL के अंदर अगर हम बात करें बेस्ट प्लान 100 रुपए के नीचे की, तो यहाँ पे आपको बेस्ट प्लान मिलता है 35 रुपए का। 100 रुपए के काफी नीचे आ गया है, लेकिन यही बेस्ट प्लान है। 35 रुपए में आपको यहाँ पे 180 दिन का वैलिडिटी मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपको डेटा मिलता है वो मिलता है 50 MB का, लेकिन यहाँ पे भी एक लूप है कि ये 50 MB आपको एक महीने के अंदर यूज करने हैं। बेनिफिट ये है कि जैसा आपको वोडाफोन और एयरटेल में है कि वहाँ पे मिनिमम रिचार्ज कराना होगा हर महीने, नहीं तो आपकी इनकमिंग बंद हो जाएगी, BSNL के अंदर ये एडवांटेज मिल जाता है कि यहाँ पे आपको वैलिडिटी जो मिलती है वो मिल जाती है 180 दिन की, मतलब लगभग 6 महीने की। वो एडवांटेज है और कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी यहाँ पे जो कॉलिंग रेट है वो लग जाता है आपको 2 पैसा 3 सेकंड का, और इसके अलावा और कोई एडवांटेज नहीं मिलता। तो ये था दोस्तों यहाँ पे पूरा प्लान अगर हम बात करें चारों मेजर ऑपरेटर्स की, मतलब जियो में 98 का प्लान, एयरटेल में 98 का प्लान, वोडाफोन में 95 का प्लान और BSNL में 35 का प्लान। लेकिन बात करें बेस्ट की तो जियो विंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।